हुआ, सब ठीक है ना? अब अचानक ये कोर्ट का नोटिस पड़ रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, बस डेट चेक कर रहा था, देख रहा था और कितने दिन हमें एक साथ रहना है। डेढ़ महीना और बचा है, कितने समय में पता नहीं और क्या क्या। सच्चू मैं चाहता हूं कि ये डेढ़ महीना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आज से कुछ दिन पहले तक हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, अब सब कितने खुश, और आज काश कि हम में से कोई यहां आता ही। अर्जुन भी नहीं, मैं भी नहीं, ना अर्जुन पूर्वी से मिलता ना मैं अर्चना से, और ना ओवी की ये प्रॉब्लम होती, और ना मेरे डिवोर्स की। 18 साल तक हम अलग रहे थे, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में कुछ नहीं जानते थे। शादीशुदा होने के बावजूद एक डिवोर्स की लाइफ तो जी रहे थे ना हम लोग दोनों, तो आगे भी जी लेते, रह लेते एक दूसरे के बगैर। लेकिन यहां आने के बाद एक प्रॉब्लम खत्म होती है कि दूसरी प्रॉब्लम, कितना कुछ हो गया हमारी जिंदगी, अपनी एक बेटी की लाइफ बर्बाद होते देख ली मैंने। लेकिन बस अब और नहीं, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, तंग आ गया हूं मैं इन प्रॉब्लम से। डेढ़ महीना खत्म होते ही हम सब के सब कनाडा वापस चले जाएंगे। तुम लोगों को इन प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहता हूं, बस वक्त जल्द से जल्द खत्म हो जाए। काम हो गया सर, मैं निकलता हूँ। वो गाड़ी पूरी हो गई ना? हाँ सर, वो हो गई। सुबह टाइम पे आ जाना। जी सर, मैं चलता हूँ। ये बहुत अच्छी चूड़ी है, अभी नया माल आया है, देखिए ना, ये लेटेस्ट माल आया है मार्केट में, आप पे अच्छा लगेगा, देखिए ना भाई साहब। हाँ जी सब, कुछ अच्छी सी चूड़ियां दिखा देंगे प्लीज? हाँ अभी लीजिए। लेकिन सर किस तरह की आपको चूड़ियां चाहिए? एक्चुअली रंग तो कोई भी चलेगा, मतलब जो भी अच्छा वाला हो आपके हिसाब से। एक बात बताइए कि चूड़ी किसके लिए चाहिए, उसी हिसाब से मैं आपको चूड़ी दे देता हूँ। किसके लिए? वो मुझे तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया। एक काम कीजिए, यहां से देख लीजिए। So on the basis of the meeting with Mr. Nikhil Jain of Persis Builders, उन्होंने कहा है कि उनका invoice almost हमारे हमारे office तक पहुंच चुका है। So what we need to do is before we confirm, सब पानी। Get in touch with Nikhil Jain. Nikhil Jain is the managing director there. So is that clear, everyone? Right? Well, before we leave, let's set some rules. Please make sure ki agli baar koi bhi meeting ya koi bhi conference mein aane se pehle, we follow a dress code. Koi bhi unwanted accessory jo unwanted noise create kare. Is that clear? आप बताइए ये इसमें कौन सा कलर दे दूं आपको? आप ये वाले पैक कर दीजिए प्लीज। आजी बाबा, बाबा वो
आई मार्केट गई है और मानव किसी काम से बाहर गए, लेकिन तू इतना भीग कैसे गई? तू पागल है? बारिश में कोई गीला होता है क्या? चल अंदर चेंज कर लेते। आप थकती नहीं है? दो मास्क पहने हुए आपने एक चेहरे पे, आप मैनेज कैसे करती है ये? तेजू तू ये क्या कह रही है मेरी को समझ में नहीं आ रहा। वैसे ना मेरा ना बात करने का मूड नहीं है आपसे, मैं वॉर्न करने आई हूँ आपको, आप मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहिए। आपने ना बहुत खिलवाड़ कर लिया एक्चुअली हमारे इमोशंस के साथ, मेरी फैमिली के साथ। मुझे आज भी याद है जब मैं 3 महीने आपके घर में रही थी ना, तो मेरा नजरिया बदल रहा था, जो इमेज आदि ने बनाई थी ना वो चेंज हो रही थी, मुझे लगा आप हैं अच्छी औरत। लेकिन आपने एक बार फिर से प्रूव कर दिया आदि सही है, आप गलत है। पीछे लेकिन मैंने किया क्या ये तो बता, आपने अपनी बेटी पूर्वी के लिए ओवी के साथ गेम खेला है। ओवी बेटी नहीं है आपकी? पूर्वी? ये जो सब कुछ हो रहा है ना, पूर्वी फसाद की जड़। आपसे आजी ने उस दिन क्या कहा था? आपसे आजी ने ये कहा था आप जाइए पूर्वी से बात कीजिए कि वो अर्जुन का पीछा छोड़ दे, ताकि अर्जुन को ओवी की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो, उसके प्यार के, उसकी फीलिंग्स की। आपने क्या जवाब दिया था? तेजू मैंने आई से यही कहा था कि ओवी के लायक अर्जुन है ही नहीं, और आज भी मैं इस चीज पर बिल्कुल कायम हूँ। झूठ, एक बार फिर से झूठ बोल रही हैं आप। यहाँ तो आपने बोल दिया किसी के लायक नहीं है, ओवी के लायक नहीं है, पूर्वी के लायक नहीं है, और वहां पे आपने उसे चैलेंज कर दिया, 10,000 रुपए कमा के दिखा, तब मैं तुझे पूर्वी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगी, है ना? यही किया ना आपने? इस चैलेंज के लिए अर्जुन मैकेनिक बन गया, गैरेज में रह रहा है, अपना घर, बिजनेस, पापा का नाम सब कुछ छोड़ दिया उसने, रोड पे आ गया वो लड़का आपके चैलेंज की वजह से। यही रह रहा है ना आपकी चौल में घर लेकर के? सही है, अब तो आपके घर के सामने रहेगा, पूर्वी और वो रोज मिलेंगे, रोज मुलाकात होगी, अब तो पूर्वी के और करीब आ जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक हो जाएंगे, आपका प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया। नहीं तेजू ऐसा नहीं है, आज भी मेरी नजरों में अर्जुन ना तो पूर्वी के लायक है और ना ही ओवी के लायक है। जहां तक उसके घर छोड़ने का सवाल है, उसके बिजनेस छोड़ने का सवाल है, मुझे खुद को कल पता चला, और वो उस चौल में रहने आ गया। लेकिन मैं, आप जो कह रही हैं वो बात हो सकता है सही हो, लेकिन आप इस बात को झुठला नहीं सकती कि अर्जुन ने आपके कहने पे अपना घर और ऐश आराम छोड़ा है और रह रहा है वो चौल में, मैकेनिक बन गया वो एक गैरेज में आपके कहने पे। और उस दिन ये बात हुई थी ना, वो भी बाबा को दोषी ठहरा रही है इस बात का, आप तो थी यहाँ पे, आपने बोला क्यों नहीं ये बात? तेजू मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं, आप क्यों बताएंगी? आप तो चाहेंगे ना कि हम लोगों में डिफरेंस क्रिएट हो। सिचुएशन नहीं, मैं मेरी बाबा से, बाबा की ओबी से लड़ाई हो, यही चाहते हैं ना आप? चाहते हैं कि एक बार फिर से फैमिली टूट जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अनलकी रहेंगे इस बार आप, क्योंकि मैं हूं ना, मैं इस बार फैमिली टूटने नहीं दूंगी। और आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बातें ना किसी को बताऊंगी नहीं, खास करके बाबा को, क्योंकि अगर बाबा को ये बात पता चली ना, बहुत हर्ट होंगे, बहुत दुख होगा उन्हें। मैं सोच रही थी कि जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है, तो तब तक मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन दे दूं, अगर तू चाहे तो। एक ही शहर में रहते हैं, खबर तो मिलती रहती है। अरे सर, आप यहां खड़े क्यों हैं सर? आइए ना, अंदर चल के बैठिए। अरे अर्जुन, जाना जरा चैन लेके आना। अरे अर्जुन, सुनता नहीं है तू? साहब के लिए चैन लेकर आना। जी जी, आइए ना सर, आइए, चल जल्दी लगा। हाँ सर, आइए सर, आइए बैठिए।
जरा जल्दी से देख लेना सर की गाड़ी को क्या प्रॉब्लम हुई। जी हाँ अभी देखते हैं सर। जब तक आपकी गाड़ी बन रही है आप क्या लोगे, चाय कॉफी कुछ मंगाऊं आपके लिए? नो थैंक यू। अर्जुन ये बहुत बड़े कस्टमर हैं तो इनकी गाड़ी बहुत संभल के रिपेयर करनी। जी सर। जी ठीक है जी। कितने पैसे हुए? 1500 रुपए हुए सर। थैंक यू। और ये तुम्हारा टिप। सो डैड वी नीड टू रीच कॉन्फ्रेंस हॉल बाय अबाउट 10। या एंड आई आल्सो वांट यू टू स्पीक टू भरत। ओके ओके And ask him what happened about our next consignment. And this is for you. Thank you. Dad, that 500 rupees, don't you think that was others? It's just an appreciation for his work. कोई आदमी अच्छा काम करता है, sincerely काम करता है, तो उसके काम की तारीफ करनी चाहिए, ताकि उसके काम में दिल लगे। रख लो, बेटे। आजी आजी खर्चा तो ज्यादा हो रहा है और हमारे पास पैसे कम है। अजूबा की पेंशन भी 1 तारीख तक आएगी, तब तक हम कैसे चलाएंगे खर्चा? तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ आई, मेरे लिए भी चाय बनाना। हाँ आई आई, वो मैं सोच रही थी कि मैं फिर से कोई नया काम ढूंढ लेती हूँ। हाँ पूर्वी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे फिर से काम करना चाहिए। आई एक्चुअली वो मैंने ना 1-2 कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे, लेकिन वो मेरी पिछली कंपनी को छोड़ने का मुझसे रीज़न पूछ रही थी। आई मैंने कोई रीज़न नहीं दिया तो शायद उनको लग रहा होगा कि मेरा एटीट्यूड बहुत अनप्रोफेशनल है। नहीं पूर्व, ऐसा बिल्कुल नहीं, तू बहुत ईमानदार है अपने काम के लिए। तू मेहनती भी है और पढ़ी लिखी भी है, तुझे अच्छा काम जरूर मिलेगा। भाई उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मेरा जवाब चाहते थे ना। खैर आई मैं सोच रही थी कि जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है तो तब तक मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन दे दूँ, अगर तू चाहे तो। मैं क्यों नहीं चाहूंगी, तू पागल है क्या? ये सारी चीजों के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, जैसा तुझे ठीक लगता है वैसा कर, ठीक है? आई ये इन पेपर्स पे मुझे तेरे साइन चाहिए थे। क्या ये? आई वो मुझे FD रिन्यू करानी है। लेकिन ये कौन सी FD? आई तुझे याद है मानव ने मुझे कुछ पैसे दिए थे सेव करने के लिए, और उनमें से मैंने थोड़े से पैसे निकालकर उनकी FD कर दी थी, वो भी तेजू के नाम। अभी वो FD मच्योर हो गई, तो मैं चाहती हूँ उसे फिर से रिन्यू करा दूँ, इसलिए मुझे तेरे सिग्नेचर्स चाहिए क्योंकि तू नॉमिनी है ना। अरे लेकिन FD मैच्योर हो गई है तो पैसे निकालकर बच्चियों को दे दो। मुझे आज भी याद है जब मैं 3 महीने आपके घर में रही थी ना, तो मेरा नजरिया बदल रहा था, जो इमेज आजी ने बनाई थी ना वो चेंज हो रही थी, मुझे लगा आप हैं अच्छी औरत। लेकिन आपने एक बार फिर से प्रूव कर दिया आजी सही है आप गलत। दूंगी आई ये पैसे, उन्हीं को दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर।
और वैसे भी ये पैसे तो उन्हीं के है ना, मिलने तो उन्हीं को। तू यहाँ साइन कर, पूर्वी पहन दे आई। अर्जुन तू तो इस गैरेज का लकी चाम बन गया है। जब से तूने इस गैरेज में काम करना शुरू किया है गाड़ियों की तो लाइन लग गई है। सुबह से बहुत काम किया है तूने, थोड़ा रिलैक्स हो जा। भाई सर ये लीजिए सर। अर्जुन तेरी उम्र कितनी होगी? सर 25, 27, 30 से ऊपर तो डेफिनेटली नहीं होगी। फिर इतनी कम उम्र में इतनी सब हाईफाई गाड़ियों का काम तो कैसे जानता है? वैसे इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं, मैंने सीखा हुआ है सर। और जिस इंसान से सीखा है उनकी शुरुआत भी यहीं कहीं से हुई थी, एक गराज से, और आज वो आसमानों की बुलंदियों पर है, बहुत बड़े इंसान बन चुके हैं। सर वैसे उनकी सबसे खास बात यह है कि वो आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपनी जमीन को नहीं भूले। ये सब उन्हीं से सीखा सर, इज माई आइडल। अच्छा तो अपना आइडल का नाम तो बता। उनका नाम है मानव देशमुख, मेरे अंकल है। अर्जुन तू तो इस गैरेज का लकी चाम बन गया है। जब से तूने इस गैरेज में काम करना शुरू किया है गाड़ियों की तो लाइन लग गई है। देख एक और गाड़ी आ गई। विंडशील्ड रिप्लेसमेंट का कितना लगेगा? ये कोई 6-7 हज़ार रुपए। और मिरर का? मिरर्स अप्रॉक्सिमेटली 3,000 रुपए। और हेडलाइट और टेल लाइट? 5-6 हज़ार। लेकिन मैडम हम आपको सारी कॉस्टिंग ऐसे रैंडमली नहीं बता सकते, आप अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम बताइए उसके बाद हम आपको एस्टिमेट दे देंगे। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, अर्जुन जरा क्लाइंट अटेंड कर लेना। जी ओवी, ओवी क्या कर रही हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग यहाँ पे? ये सब पूछने का मतलब क्या हुआ? ओवी 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रही हो यहाँ पे? व्हाट आर यू डूइंग ओवी? तुमसे और इसीलिए तुम ये कैसी जगह में काम कर रहे हो और सड़े से चौल में रह रहे हो? ओके, तो वो 10,000 रुपए तुम मुझे दोगी, इज दैट इट? हाँ अर्जुन, क्योंकि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। औरत यही चाहती है ना कि सारी तुम्हारी मेहनत की कमाई हो, ये भी तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रही हूँ। स्टॉप इट, स्टॉप इट ओबी, ओके? देखो मैं जानता हूँ दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन तुम मेरी वजह से प्लीज अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि लोग तुम्हें किस तरह यूज करें? मुझे कौन यूज करेगा? हु इज यूजिंग मी? पूर्वी, पूर्वी और औरत तुम्हें यूज कर रहे हैं अर्जुन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। रपेश अर्जुन तुम सच कह रही हो, तुम उस औरत को नहीं जानते, मैं उसके साथ एक डेढ़ महीने रही हूँ,
मुझे पता है वो बहुत सेल्फिश है। Enough, Ovi, enough. मैं जानता हूँ कि मैं उनके साथ उतना नहीं रहा हूँ जितना तुम रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ उन्हें, I know her, okay? नहीं अर्जुन, तुम कुछ नहीं जानते हो। उस औरत को मैं जानती हूँ, उसे पैसों के पीछे पड़ी रहती है। तुम्हें पता है उसने बाबा से आलिमनी में क्या क्या चीजें मांगी? Stop it. वो उनका पर्सनल मामला है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वो औरत सिर्फ पैसों के पीछे भाग सकती है और उसने अपनी बेटी को भी यही सिखाया है। पूर्वी तुमसे प्यार नहीं करती अर्जुन, मतलब तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। इट्स इनफ। मैं जानता हूँ कि इस बात का मानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस बात को जितना ज्यादा जल्दी मान लोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। व्हाई डोंट यू गेट इट? ओवी, तुम मेरी दोस्त हो, यू आर अ फ्रेंड एंड दैट इज इट। तुमने मुझे फ्रेंड से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिला। ओवी, मैं जानता हूँ तुमने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी चाहे तुम्हें मिला है, लेकिन इस बार जिस चीज की तुम जिद कर रही हो वो कोई चीज नहीं है, वो एक इंसान है। ओवी, ये वो अर्जुन नहीं है जो कनाडा से यहाँ पर आया था, मैं बदल चुका हूँ। ओवी, इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज। तुम्हें बदलना है, जस्ट एक्सेप्ट इट। ओवी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज ओवी, ओवी डोंट डू दिस, प्लीज प्लीज जस्ट लिसन। ओवी, प्लीज लिसन टू मी, listen to me once।